कि हमारा जीवन भी ठीक इसी तरह का है, उपद्रवग्रस्त है, हम भी भ्रमित हो रखे हैं, भटके हुए हैं। हमको रास्ता कब मिलता है? हमको रास्ता तब मिलता है जब हमको कोई सदगुरु मिलता है। नारद जी महाराज बहुत भटके, कहीं पर भी उनको मंजिल नहीं मिली। मंजिल कहां मिली? जब इनको सनकादि ऋषि मिले और फिर उन्होंने बैठ करके उनको मंजिल तक पहुंचाया। जीवन की दौड़ कब तक? सदगुरु न मिले तब तक। जब तक कोई अच्छा महापुरुष हमको नहीं प्राप्त होता है तब तक हमारी जीवन की दौड़ समाप्त नहीं होती। एक सहजोबाई संत हुई है, जिस तरह से मीराबाई कृष्ण भक्त थी उसी तरह से सहजोबाई गुरुभक्त थी। तो उन्होंने सहजोबाई ने लिखा है कि मैं भी बहुत भटकी, लेकिन मुझे जब सदगुरु चरणदास मिले, उन्होंने एक मंत्र दिया और उसी दिन से मेरे जीवन में ठहराव आ गया। एक शब्द में मिट गई सबरी खींचा तान, एक शब्द में मिट गई सबरी खींचा तान, चरणदास सदगुरु मिले सहजो शिष्य सुजान। मुझे मेरे सदगुरु चरणदास जी मिले, उन्होंने मुझे मंत्र दिया और उस मंत्र के प्रभाव से मेरे जीवन में स्थायित्व आया। अब मेरे जीवन का भटकाव पूरा बदल चुका है। बहुत से लोग कहते हैं कि गुरु करने की क्या आवश्यकता है, हम बिना गुरु के ही बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आप कर सकते हो, लेकिन वो व्यक्ति कर सकता है जिसके पूर्व जन्म की साधना हो। आप लोगों ने देखा होगा कोई कोई बच्चे, उनको थोड़ा सा पढ़ाया जाता है और वो बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पूरे जन्म की साधना होती है, थोड़ा सा करने से वो बहुत कुछ कर लेते हैं। और कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको बहुत पढ़ाना पड़ता है तब जाकर के वो पढ़ पाते। यही अध्यात्म जगत में भी चलता है। आपके पूर्व जन्म की साधना है तो आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आपके पूर्व जन्म की साधना नहीं है तो आपको गुरु की आवश्यकता है। ये शास्त्र अपने आप हमारे मार्ग प्रदर्शक हैं, लेकिन इन शास्त्रों को समझने के लिए भी हमको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। महाभारत में एक प्रसंग है, यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद। पांडव लोग जब वनवास काल में थे तो प्यास लगी, पानी लेने के लिए गए तो सबसे पहले छोटा भाई गया, लौट के नहीं आया। दूसरा भाई गया, लौट के नहीं आया। तीसरा भाई गया, लौट के नहीं आया। चौथा भाई भीम भी गया, लौट के नहीं आया। तो पांचवें रूप में फिर स्वयं युधिष्ठिर गए। तालाब के किनारे देखा तो चारों भाई मरे पड़े हुए हैं। प्यास बहुत जोर से लगी थी, सोचा कि पहले पानी पी लो फिर आगे का उपाय करो, इनको क्या हो गया क्या नहीं हो गया। पानी पीने के लिए झुके ही थे, एक यक्ष प्रकट हो गया और उसने कहा कि युधिष्ठिर सावधान, पहले मेरे प्रश्न का जवाब देना फिर पानी पीना, और मेरे प्रश्न का जवाब दिए बिना यदि तुमने पानी पिया तो जो हाल तुम्हारे भाइयों का हुआ वही तुम्हारा भी होगा। इनसे मैंने कहा था कि पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो फिर पानी पियो, इन्होंने मेरी नहीं सुनी तो इनका ये हाल हो रहा है, और यदि तुम भी नहीं सुनोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। क्या आपका प्रश्न है? उन्होंने कई प्रश्न किए हैं और उसमें यह प्रश्न भी था कि कह पंथा, रास्ता कौन है कि जिस रास्ते पर हमको चलना चाहिए। तो वहां पर महाभारत में वर्णन है, युधिष्ठिर जी ने कहा था, श्रुतियों विभिन्ना स्मृतियों विभिन्ना, शास्त्र बहुत है, मार्ग बतलाने वाले बहुत लोग हैं, शास्त्र भी बताते हैं, स्मृतियां भी बताती हैं, पुराण भी बताते हैं, हमारे जो बड़े लोग हैं वो भी हमें बताते हैं, लेकिन चलना चाहिए कहां पर? धर्मस्य तत्त्वम नीतम गुहायाम महाजनो येन गतस्य पंथः, जिस मार्ग पर चलने के लिए महापुरुष हमको कह दें, जिस मार्ग पर चलने के लिए हमारे सद्गुरु हमको कह दें, उस मार्ग पर चलने से हमारा कल्याण होता है। यहां पर